को सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर क्या? हाँ जी, ये एक ऐसा है कि लोगों तक ये बात फैलना ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को लगता था कि लुके लाइक बस किसी के फैंस होते और मतलब कुछ मतलब नहीं करते, ऐसे कुछ फैंस होते बस, दैट्स ऑल। लेकिन ऐसी हकीकत ये है कि हम लोग काफ़ी जगह पे, गांव में, शहर में, हर जगह पे जा जाके हम लोग शो करते हैं, और हमें उस चीज़ को सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके शक्ल और बॉडी, चेहरा, सब कुछ अल्टीमेटली बनाने के लिए और उसमें उसके हिसाब से ढालने के लिए अपने आप को काफ़ी मेहनत होता है, काफ़ी समय लगता है। मैं 97 से काम कर रहा हूँ आमिर खान, एज ए आमिर खान, और पहले मैं एज ए सिंगर था, तो मैं करीबन 51 सिंगर्स की वॉइस में गाना गाता हूँ, ये मेरी खूबी है, और मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, मिमिक्री करता हूँ, और प्लस मैं आमिर खान के डांस डायलॉग्स हैं। आप लोग कुछ सुनना चाहेंगे तो बता रहा हूँ जी, एक लाइन अगर अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ राजा बने, कुछ रोमियो, कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए, वो देखो। नहीं नहीं नहीं, हमरा गोला माँ, हमरा गोला माँ तो कोनो भाषा ही नहीं है, माइंड से बतिया दे, कोनो कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ तो ससुरा बोलते कुछ है और रूप का मतबल कुछ और निकलता है, वही कई शब्द के चार चार मतबल, चार चार ऐसे मंडे लगा, अच्छा अच्छा यानी सब कुछ ठीक बा, आंखें पर अच्छा यानी चौक माँ, तोरी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा गुस्सा आ गया तो लग लिया, अच्छा अच्छा हमको सिखा, अच्छा सोचता है तो लंबा वाला, अच्छा अच्छा थैंक यू। देखिए एक्चुअली क्या है, फ़ायदा तो पहले से, आमिर खान खुद भी, आमिर खान के साथ मैं मिल चुका हूँ, और मेरा उनके साथ एक वीडियो है, मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है बॉलीवुड सिंगर देवाशीष घोष, आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें एक वीडियो है आमिर खान एंड देवाशीष घोष इन रेडियो सिटी, तो रेडियो सिटी में मेरा उनका मुलाकात हुआ था, ये हुआ था, तो उन्होंने खुद बोला था कि वो मेरे यूट्यूब चैनल खुद देखते हैं, मैं गया तो उन पहले से मुझे जानते थे, ऐसा था। और काफ़ी मैं दुनिया घूम चुका हूँ, अभी ये US गया था अभी एक दो महीने के लिए, वहाँ पे था, तो दुबई, काफ़ी जगह में हम लोग शो करते हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह पे, और मैंने कपिल शर्मा जी के साथ भी काम किया, पिछले साल मेरी फिल्म आई थी आमिर सलमान एंड शाहरुख, वो आमिर सलमान शाहरुख, उसमें हम लोग तीनों थे, तो वो फिल्म काफ़ी, सलमान खान ने खुद उसको मतलब ट्वीट किया था उस फिल्म के लिए, और ठीक ठाक गया था, अच्छा बजट के हिसाब से ठीक था, वो काफ़ी साल से कर रहे हैं, और इस अवार्ड फंक्शन में लास्ट टाइम मुझे बुलाया था, लेकिन मैं था नहीं, मैं दुबई गया हुआ था शो के लिए, और तो इस टाइम पर मैं समय था तो मैं आ गया यहाँ पे, और देखते हैं अभी, लेट्स सी क्या होता है आगे, और मुझे लगता है कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि कम से कम लोग जानते हैं कि करते क्या है, इनका टैलेंट क्या है, और इनके पास ऐसा क्या है जो कुछ मतलब होना चाहिए, जो एक आर्टिस्ट के हिसाब से इनके पास टैलेंट है या नहीं, या फिर सिर्फ शक्ल से लगते हैं, क्योंकि बहुत से लोग शक्ल से लगते हैं लेकिन होते कुछ नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि शक्ल से लगना ही मेन चीज़ नहीं है, आपके अंदर वो खूबी भी होनी चाहिए, जो अगर मैं आमिर खान को नकल करता हूँ या फिर मेरी शक्ल आमिर खान से मिलती है, तो मेरे अंदर आमिर खान वाली बात नहीं होगी, तो पब्लिक मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैं इतना जानता हूँ, तो इसके लिए वो भी होना ज़रूरी है, और लेट्स सी कुछ अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, मैं और सुफियान हम लोग अजमेर शरीफ से उर्स के मौके पे वहाँ गए थे, और वहाँ से सीधे एयरपोर्ट से समझिए आ रहे हैं, और इसीलिए कि वो आदमी बहुत मेहनती है, एक डुप्लीकेट की हैसियत से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, और अवार्ड करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत सारे कलाकारों की डेट्स देनी पड़ती है, हॉल बुक करना पड़ता है, मीडिया को खबर करनी पड़ती है, समाज के लोगों को बुलाना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें जो है ये अपने आप में बहुत अहमियत रखती है, और इरफान आरिफ जो है वो डुप्लीकेट का काम ज़रूर किया उन्होंने अनिल कपूर जी का, लेकिन एज एन एक्टर वो बहुत उम्दा एक्टर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, और इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनने कुछ आते हैं, बन कुछ जाते हैं, जैसे कि मैं बिहार गया से आया हूँ, मैं हीरो बनने आया था, विलेन बन गया, शुरुआत खुदा गवाह से, उसके बाद सरफरोश, तो ये इंडस्ट्री की एक भेड़ चाल है, इसमें आपके ऊपर जो ठप्पा लग गया वही सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, उसको उस कैरेक्टर को, उस दायरे को तोड़ के आना बड़ा मुश्किल होता है, तो आरिफ ऐसे कितने डुप्लीकेट्स एक्टर हैं जो माशाल्लाह आज उनकी रोज़ी रोटी इसी तरीके से चल रही है, और स्टेज पे
बड़े अच्छे परफॉर्मर हो, बड़े बड़े एक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं जितना ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो मैं इनको दिल से दुआएं देने आया हूँ, सपोर्ट करने आया हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरी मौजूदगी यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। अली जी, आपको लगता है कि इस तरह के अगर अवार्ड और होंगे तो जो कलाकार है जो कहीं ना कहीं गुमनामी की जिंदगी जी रहे उनको एक अलग पहचान मिलने में काफ़ी मदद मिलेगी? ऑफकोर्स, ये देखिए सच्चाई है कि हम जैसे कलाकारों को नेशनल अवार्ड या फिल्म फेयर अवार्ड तो मिलता नहीं, बहुत मुश्किल है। तो जो नए लोगों को अवार्ड मिलता है उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, उनके करियर के लिए एक बड़ा समझिए कि उनको आगे बढ़ने के लिए बड़ा अच्छा मौका है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं दिल की गहराई से इन तमाम लोगों को जिनको आज अवार्ड मिल रहा है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और ख़ास करके आरिफ को। अली जी, एक आखिरी सवाल ये भी करना चाहिए कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम अवार्ड जो होते हैं उसमें टेक्नीशियंस को भी अवार्ड मिलने लगे, आपको लगता है कि जो लुका लाइक्स है उनका भी एक सेगमेंट होना चाहिए? 100% होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितनी मेहनत एक एक्टर की होती है उतनी टेक्नीशियंस की होती है, उतने जितने भी हमारी इंडस्ट्री से हमारी फिल्म से लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर या हीरो या हीरोइन अकेले फिल्म नहीं बना सकता, उसके बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है, उसकी वजह से हम पर्दे पर चमकते हैं, उनके सपोर्ट तो ऑफकोर्स उनको मिलना चाहिए। थैंक यू सुफियान। सबसे पहले तो मैं आरिफ भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो कि दूसरी बार ये उनका लुकालाइक अवार्ड शो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पहला वाला बहुत ज़्यादा ही कामयाब रहा होगा और जो दूसरा वाला है वो उससे ज़्यादा कामयाब हो, ऐसे हम दुआ करते हैं। और सिर्फ इसी को कामयाब करने के लिए अजमेर से मैं पापा डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं ताकि हम यहाँ पे हाज़िरी अपनी दे सकें, और अजमेर हमने सभी के लिए दुआ की, पूरे आवाम के लिए, पूरे देश और दुनिया के लिए, कि चैन अमन बना रहे, सबके दिलों में मोहब्बत है वो कायम रहे। और जहाँ तक लुकालाइक अवार्ड शो की बात है तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही अलग और बहुत ही अहमियत वाला अवार्ड शो है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई ऐसा अवार्ड शो होता होगा जिसमें कि लुकालाइक्स को इतनी अहमियत दी जा रही है या अवार्ड दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, एक उनकी एक अलग पहचान जो है उसे लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। तो मैं आरिफ भाई को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। लुकालाइक्स को भी अवार्ड दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश। प्यारे मेरे दर्शकों, आप सब है मेरे लिए बिग बॉस और मेरी आने वाली फिल्म का नाम है बिग बॉस। सबसे खुशी की बात यह है कि लुक लाइक मेरी नज़र में बहुत बड़े कलाकार होते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े कलाकारों के लुक लाइक होते हैं। तो बड़ा कलाकार अगर शरीर है तो लुक लाइक उनकी आत्मा है, जो उनके परफॉर्मेंस को, जो उनके स्टाइल को देश दुनिया में फिल्मों के माध्यम से, स्टेज के माध्यम में लोगों तक पहुंचाते हैं। उन्हें अवार्ड मिल रहा है, उन्हें उनका सम्मान हो रहा है, मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है। एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मिमिक्री करना और लुक लाइक रहना करीब करीब सिमिलर बातें हैं। आरिफ जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसी हिम्मत कर रहे हैं? वो बहुत बड़ी बात है। एक एक को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आरिफ खान को, वो वैसे भी एक ही है और वैसे भी एक ही है, अनिल कपूर के डुप्लीकेट है, तो दोनों मतलब ये डबल एक के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खुशी हो रही है, और अवार्ड कार्यक्रम हो रहा है तो ट्रिपल एक का हो गया अवार्ड कार्यक्रम, एक ए वहाँ भी, तो ये ट्रिपल एक का वाला मामला हो गया, जहाँ ट्रिपल एक के होते हैं वहाँ हर बाजी जीत ली जाती है। तो सुनील जी, एक आखिरी सवाल, मेन स्ट्रीम अवार्ड्स में भी इस तरह के कैटेगरीज को शामिल करना चाहिए? करना चाहिए, तभी ये लोग और मेहनत करेंगे, और वैसे तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन फिर उस लेवल पर मेहनत होगी और इस क्षेत्र में फिर बढ़ोतरी होगी। जैसे एक ज़माने में स्टैंडअप में था, स्टैंडअप में इतना कोई सम्मान करते नहीं थे, जॉनी लीवर साहब ने फिर उसकी इज्जत बढ़ाई, फिर लाफ्टर चले गए, और अब बच्चा बच्चा स्टैंडअप कर रहा है, स्टैंडअप कॉमेडियन को जैसे कपिल शर्मा आज नंबर वन पे है, उनके शो में बड़े बड़े कलाकार बड़ी बड़ी फिल्में प्रमोट करने, तो बॉलीवुड पूरा जाता है। तो ये क्या होता है, जब सम्मान मिलना शुरू होता है तो लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं, आगे काम बढ़ता है। सुनील जी, होली आ रही है, आपकी ओर से किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? नमस्कार, हमारा नाम है रतन नूरा, और होली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरा के पूरा। ठीक से मनाओ होलिया, वरना बिगड़ जाएगा होलिया। और याद रखना, कुंवारों, कुंवारी लड़की के साथ ऐसी होली मत खेलो कि वो इमोशनल हो जाए, तो मेरे रंग में रंग जाए और शादी करनी पड़ जाए, उसके बाद तो भैया फिर होली ख़त्म और खून की होली शुरू। जो साल भर कहती है मांग भरो सजना, वो होली के दिन आकर इतने बड़े गिलास में कहती है भांग भरो सजना, और जब भांग पी लेती है तो फिर समझ जाओ पूरी होली फैमिली हो जाती है।